हेलो फ्रेंड्स, खमागणी कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर कल हम लोग आ गए थे राजपुरा, शूट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, बंद ही पड़ गया। तो आई क्लाउड का रिचार्ज कराया, रिचार्ज करवाने के बाद में मैं फ़ोन वोन यूज़ कर रही थी, पता नहीं उसके बाद क्या रहा कि फ़ोन बंद ही हो गया। फिर हम लोगों ने एप्पल सेंटर पर दिखाया तो उसने भी बोला कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, उसके बाद में ही कुछ हो पाएगा। हमें आना था गांव तो बस फिर हम लोग निकल गए थे। अभी देखते हैं क्या रहता है उसका। काय पापा हैं बड़ की हाँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरा ननिहाल राजपुरा। मामी सा, नानू सा, नानी सा, मामू सा, वो लोग आए हुए थे तो लोग बोल रहे थे कि हम भी आ जाएं। तो पहले से प्लान था हमारा, बट फिर हम लोग उस दिन तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो आ नहीं पाए। फिर हम लोग कल आ ही गए फाइनली। अब देखते हैं, मेरा फ़ोन मेरा वाला तो ख़राब है, मैं मामी सा वाले से वीडियो वगैरह बना रही हूँ। सो देखते हैं कैसा क्या रहता है। ये बड़े नानू सा, नानू सा के बड़े भाई पित्र हैं उनका देवरा, पीछे बाबू जी महाराज का देवरा। और ये नानू सा का रूम बाहर का, गांव में बाहर एक रूम होता है ना, हवेली के बाहर वो वाला रूम है ये। नानू सा घूम रहे हैं। और दिखाती हूँ कावी और काना, कावी के मजे हो रहे हैं गांव में। और सबसे अच्छी बात ये रही कि वेदर भी आज इतना अच्छा हो गया, कल जब हम आए थे इतनी धूप थी बट आज बहुत सब सही है। तो कान जी हाय, हेलो, हाय, थक गए? अंदर की हवेली भी आपको दिखाऊंगी। बारिश स्टार्ट हो गई है, कल तक तो इतनी खतरनाक गर्मी थी, आज अच्छा वेदर हो गया। अंदर हवेली के अंदर मम्मी पीर को मजा ले आया है ना। हाँ पीर माया बारिश आ गई तेज। चार घंटा तो बरस लिया ना, चार घंटे ज्यादा, चार ज्यादा ही होगा। नौ, नौ साढ़े नौ मान लो तो ही देख लो। कम से कम आलू बादल तो पीछे ही है, आलू बरस से आ गया, बरस से आ गया। समोसा ज्यादा खा लिया, नस होएगा। समोसा तो मेरा गया गेड़ा, उसको जेनी नहीं है। और कर बेटा ले आऊंगा। वाह 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 वाह।
तो आज हुई है गाँव में खतरनाक वाली बारिश। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुई थी, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और कंटिन्यू बारिश आ रही है। मतलब 5 मिनट 10 मिनट बीच में रुकी हो, बाकी तो कंटिन्यू चल रही है। अभी भी मौसम तो हो ही रहा है, अभी 5 मिनट पहले बस रुकी है, बट लग रहा है वापस आ ही जाएगी। अभी अच्छी छाता रख के आई, वो भी उड़ने लग गया। मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाली छत पे, यहाँ से पूरा गांव दिखता है। हाँ, मेरा वाला फ़ोन नहीं है यार, उसमें अच्छे से वीडियो बनता, बट कोई नहीं, देखते हैं उसका क्या होता है क्या नहीं। लग तो रहा है अभी भी आएगी बारिश। देखो खेतों में अच्छा वाला पानी भर गया पीछे। आज हुई है तगड़ी वाली बारिश। हम लोगों को जाना था, यहाँ पे मंदिर है पास में वहाँ पे, पर बारिश इतनी ख़तरनाक हुई कि हम लोग कहीं निकल भी नहीं पाए। अब जस्ट बस अभी रुकी है बारिश। मैंने तो यार स्वेटर भी पहन ली, मेरे को तो ठंडी लग रही थी क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी और मेरे वैसे भी खांसी अभी तक नहीं गई है, तो डर ही लगता है कि फिर से स्टार्ट हो गई तो परेशान होंगे। और वैसे भी ठंड लग रही थी मुझे, तो मैंने तो स्वेटर ही पहन ली। नानी से की पड़ी थी कोई पुरानी यहाँ पे, तो मैंने वो पहन ली क्योंकि ऊपर आई थी तो ऊपर तो और ज़्यादा लगता है ना, और ज़्यादा हवा चलती थी यहाँ तो बस पहन लिया मैंने। ये देखो, चलो तो अब तो चलते हैं नीचे, देखते हैं बारिश वापस आती है या नहीं। और मेरा फ़ोन भी करना है क्योंकि लाइट्स भी गई हुई है, क्योंकि इतनी देर से बारिश आ रही थी। बारिश आने पे गांव में तो कोई लाइट तो पहले ही काट देते हैं, तो सुबह 9 बजे से ही लाइट गई हुई है। आज तो मोस्टली नहीं जाती बताई यहाँ पे, बट आज तो गई हुई है। तो मेरा फ़ोन चार्ज करना है, और फिर चार्ज करके फिर उसका पता चलेगा कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है या सही है, देखते हैं। पता नहीं यार, डर तो लग रहा है क्योंकि एक साल भी नहीं चला और इतनी जल्दी फ़ोन ख़राब होना मेरे लिए तो बहुत बड़ा टेंशन वाली चीज़ है। और देखते हैं, बारिश भी वापस स्टार्ट हो गई है। ये देखो, फूलें गिर रही है वापस, तो अभी तो चलते हैं यार वापस नीचे, दिख जाऊंगी मैं तो यहाँ। शायद इस वीडियो में तो दिख भी नहीं रही होगी फूलें, बाकी स्टार्ट हो चुकी है। मैं भागती हूँ यार नीचे, भीगने की हिम्मत नहीं है मुझ में। यहाँ पापा बैठे हैं, मम्मी और मामी सा कर रहे हैं काम। वही खतरनाक बारिश वापस से स्टार्ट हो गई है। हमारी हवेली जो ये है बहुत पुरानी, बहुत 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 पुरानी, नानों सा के दादो सा की बनाई गई थी। चलो भाई चलते हैं नीचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे। कल बस पूरे दिन यहाँ पे हो रही थी बारिश, कहीं बाहर वाहर तो हम लोग गए नहीं। आज भी बस अभी शावर वगैरह लिया है, अब शाम के टाइम देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। बाकी ऐसा कुछ खास हम लोगों ने किया नहीं, बस बच्चे शाम को खेल लिए थे बाहर मिट्टी विट्टी में, बाकी तो यही सब चल रहा है। बारिश ही हो रही है अच्छी वाली, और मेरा आईफोन बिल्कुल ख़राब हो चुका है।
कल मैंने आज पापा गए थे तो मैंने उनके साथ में जयपुर भेज दिया फ़ोन को। अब देखो एप्पल स्टोर पे लेके जाएंगे और उससे पता चलेगा कितना क्या खर्चा आने वाला है फ़ोन का। अभी मैंने मम्मी के फ़ोन में ही सिम डाल रखी है, जो मेरा पुराना वाला फ़ोन था वन प्लस, उसी में मैंने सिम डाल रखी है और उसी में मैं वीडियो वगैरह बनाई हूँ। पहले मैंने मामीसा वाले में बनाए थे कुछ वीडियो स्टार्टिंग वाले, और फिर इसमें बनाए तो देखते हैं। और यहाँ पे क्या नेटवर्क की भी इतना इश्यू है कि जो वीडियोज़ है वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहे थे, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स से लिए तो वो जा ही नहीं रहे थे, तो मैंने नॉर्मल वीडियोस भेजे हैं तो इतनी क्लियरिटी भी नहीं आ रही है, बट ठीक है, बस वीडियो तो बना ही रही हूँ क्योंकि आदत पड़ गई है वीडियो बनाने की। तो देखते हैं फ़ोन तो कब तक ठीक होता है, कल शायद आ सकता है फ़ोन क्योंकि मामोसा आने वाला है, क्योंकि कल हो गया फ्राइडे, आज फ्राइडे, तो शायद हो सकता है मामोसा सैटरडे संडे का ऑफ रहेगा तो उस टाइम आएगा, तो हो सकता है अगर फ़ोन उस टाइम तक ठीक हो जाए तो मामोसा के साथ में आ जाए। बट जो मेरे पुराने जो वीडियोस थे वो सारे यूं ही चले गए, क्योंकि उसमें उज्जैन से वापस आने वाला व्लॉग भी था, उसके बाद में एक और व्लॉग था, उसके बाद इवेंट वाला व्लॉग था, तो वो सारे वीडियोस ऐसे ही चले गए और मेरी सारी वीडियोस फ़ोटोज़ जो भी थी सब डिलीट हो गई। देखते हैं कब आता है, बस अब फ़ोन मिलेगा जिसमें कुछ होगा नहीं खास, तो इसलिए मैंने सोचा कि कंटिन्यू मैं इस दूसरे फ़ोन में अपना व्लॉग तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि वो व्लॉग तो मैं अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि वो वाले वीडियोस तो मेरे पास होंगे नहीं, तो मैं यहाँ राजपुरा के जो वीडियोस है वही कंटिन्यू कर रही हूँ। पता नहीं वीडियोस कैसे क्या बनने वाले हैं क्या वो पता नहीं, बट ठीक है मैं ट्राई कर रही हूँ, तो बस बना रहे हैं वीडियोज़। अभी हो गया ब्रेकफास्ट टाइम, कौन सी जिम्मेदारी बताना इस बॉटल के साथ क्या हुआ कावी? जो आप कल गिरे थे तब की बात है। तब मेरे साथ ये बॉटल भी गिरी, मुझे तो नहीं लगी पर ये बॉटल ऐसी हो गई। सोचो मैं ऐसी हो जाती तो बाइक। अच्छा तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये कावी आया है बच्चों को ढूंढने वाला है। अब गया कहाँ था? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का मैं करती हूँ एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।